डियर स्टूडेंट, जेपीएससी रजिस्टर स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th सिविल्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है भारतीय विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या कम क्यों है, इसके स्थिति में सुधार व उपाय के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय विधायिका में महिलाओं की स्थिति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और इस संदर्भ में हम लोग इस विषय वस्तु के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, चूँकि विधायिका आया है तो विधायिका क्या है इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखें, देश में केंद्रीय विधायिका है तो केंद्रीय विधायिका के संदर्भ में अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय विधायिका क्या है, तो केंद्रीय विधायिका मीन्स संसद कहलाता है। यहाँ पे आपको समझाते हैं, केंद्रीय विधायिका मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये संसद है, तो केंद्रीय विधायिका किसे, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, संसद चाहे कहें, चाहे इसे केंद्रीय विधायिका कहें, तो दोनों सेम नाम है, या फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका तीसरा नाम है। तो इस तरह से चाहे इसे संसद बोला जाए या फिर केंद्रीय विधायिका या फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका, तीनों एक ही नाम है। तो केंद्रीय विधायिका के यहाँ पे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तो हो गया संसद। इसके पश्चात हम लोग समझेंगे राज्यों में, राज्यों में जो है वहाँ पे राज्य विधायिका है। अब राज्य विधायिका के कौन कौन से अंग हैं, तो राज्यों में दो सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इसे बोलते हैं राज्य विधायिका। तो राज्य व्यवस्थापिका बोलें या फिर राज्य विधायिका बोलें, इसमें भी दो सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीन तीनों अंग को मिलाकर के क्या कहलाता है, राज्य विधायिका। तो संसद को केंद्रीय विधायिका बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे और ध्यान रखेंगे, संसद को आप क्या बोलते हैं, केंद्रीय विधायिका, और राज्यों में क्या होता है, राज्य विधायिका। तो राज्यों में जो राज्य विधायिका होता है उसके अंग कौन कौन से अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और संसद के कौन कौन से अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के आपके जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो गए, और राज्य विधायिका में जो है वो उसमें कौन कौन आएगा, तो विधानसभा, विधान परिषद और कौन आएगा, राज्यपाल। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, राज्यों में जो विधायिका है वो हर जगह दो सदनों वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पूरे भारत के हर राज्यों में नहीं है। केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, दो सदनों वाली विधायिका है। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे दो सदनों वाला विधायिका है, तो इसके अंतर्गत है फर्स्ट जम्मू कश्मीर, जहाँ पे दो